आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। राष्ट्रपति के जनपद आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था संबंधित बैठक एडीजी जोन अखिल कुमार की अध्यक्षता में हुई संपन्न। ड्यूटी को सतर्कता के साथ निभाने के दिए गए निर्देश, एडीजी जोन ने कहा सुरक्षा व्यवस्था में न होने पाए कोई चूक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असलाह की तस्करी करने वाले गैंग द्वारा चलाए जा रहे असलाह बनाने की फैक्ट्री का यूपी एसटीएफ गोरखपुर की टीम ने किया भंडाफोड़। 500 से अधिक निर्मित अर्धनिर्मित अवैध असलहे एवं असलाह बनाने के सामान व उपकरण के साथ 6 पुरुष और 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने टीम को दी बधाई, कहा इस सफलता से अपराधियों के होंगे हौसले पस्त। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया पुलिस कर्मियों को एडीजी जोन ने किया ब्रीफ। सुरक्षा व्यवस्था के दिए टिप्स, कहां ईमानदारी पूर्वक करें अपने दायित्वों की पूर्ति, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल का डीआईजी, जिलाधिकारी, एसएसपी, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण। कार्यों को समयानुसार पूरा करने के दिए निर्देश। गुमशुदा लड़की अंजलि उम्र 11 वर्ष की 10 घंटे के अंदर हुई सकुशल बरामदगी। रास्ते में भटकते हुए गुमशुदा बच्ची को अपने घर लाकर अपने घर की महिलाओं के साथ सुरक्षित रखने वाले धौताल को एसएसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। गुमशुदा के परिजनों एवं गुमशुदा बच्ची के चेहरे खिले। मामला बासगांव थाना क्षेत्र का। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जेई एईएस संबंधित मंडलीय समीक्षा बैठक। नालियों के साफ सफाई सहित जल जनित बीमारियों के रोकथाम के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को चकबंदी आयुक्त बीआर शास्त्री ने चकबंदी कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा आयोजित निःशुल्क विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरण तथा मंडल स्तरीय माटी कला पुरस्कार का किया गया आयोजन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को किया गया पुरस्कृत। जनपद में अब तक कुल 17 लाख लोगों को कोविड का किया गया टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 14,06,798 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 3,02,654 लोग रहे शामिल। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 89 केंद्रों पर 24,712 लोगों का किया गया कोविड का टीका। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एवं दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ग्राहक जागरण विमर्श का किया गया आयोजन। ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने ग्राहकों को प्राप्त अधिकारों की दी जानकारी। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बरूस पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराने वाले पर्वतारोही नीतीश सिंह का जनपद में आगमन पर नागरिकों ने माल्यार्पण कर किया स्वागत। कहा 2022 में माउंट एवरेस्ट पर फहराएंगे तिरंगा। गोरखपुर में गुरुवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,393। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 1900 एक्टिव मरीज सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। सत्यार्थ मिश्रा को भाजपा युवा मोर्चा का महानगर अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने किया खुशी का इजहार। कहा 2022 में दोबारा बनाएंगे भाजपा सरकार। अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त शंभू बेलदार को बासगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गांधी प्रतिमा के सामने काली पट्टी बांधकर राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी निजीकरण का युवा कांग्रेस ने किया विरोध। कहा एनएमपी को वापस ले केंद्र सरकार। गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक प्रवेश परीक्षा में 4,700 अभ्यर्थी हुए शामिल। 970 ने छोड़ी परीक्षा। 14 सितंबर तक चलेगी प्रवेश परीक्षाएं। और लगातार हो रही झमाझम बारिश से जनपद में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। एडीएम फाइनेंस ने कहा अगले कुछ दिनों तक बारिश के हैं आसार।